बेगम जान फिल्म को लेकर हर किसी की अलग अलग राय है। हर कोई इस फिल्म को देखने के लिए बेकरार भी है। खास बात यह है कि इस फिल्म में पीताभोस भी हैं, जिन्हें हम कई फिल्मों में दमदार एक्टिंग करते हुए देख चुके हैं। आइए देखते हैं कि उनसे क्या बात यानी खास बातचीत रही हमारे रिपोर्टर की। वही शोर इन द सिटी और शंघाई जैसी फिल्मों में अपना दमखम दिखाने के बाद पीतोभास को अब हम देख पाएंगे बेगम जान में। जी हाँ, पीतोभास को लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी एक्टिंग में वाकई कुछ खास बात जरूर है जो वो आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर ने क्या खास बातचीत की पीतोभास के साथ। शोर इन द सिटी, शंघाई जैसे मूवी में अपने किरदार का छाप छोड़ अब नजर आने वाले बेगम जान में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पितुबाश त्रिपाठी जी का, राइट जी। थैंक यू सो मच, वेलकम टू चैनल वन। थैंक यू। पहले मूवी रिलीज हो चुकी है बेगम जान, कितनी एक्साइटेड है आप? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं कल पहली बार ही फिल्म देखी, स्क्रीनिंग थी हम लोगों की। हम लोग एकदम एक साल पीछे चले गए सारे लोग। इट वॉज सो इमोशनल एंड यू नो so I'm really excited, like people saw the trailer and you know loads of love. The whole country is you know waiting for the film, was waiting for the film, now the film is released. So I'm really excited that now all those hard work and all those pain we gone through while shooting the film and you know leaving the film, and now the child is in front of the people. मूवी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि रीमेक है, ऑडियंस को काफी टाइम तक लगा था ये मूवी रीमेक है, बट एज यू सेड कि ये एक अडैप्ट किया गया। हाँ, मतलब जब मैंने जो ओरिजिनल बोल रहे हैं जो बनाया था उन्होंने बंगाली में 2-3 साल पहले राजकाहिनी, वो मैंने देखी नहीं है, मैंने ट्रेलर देखी है। एंड इट वॉज अ डिलीबरेट एफर्ट नॉट टू वॉच द फिल्म बिकॉज आई डोंट यू नो मोस्ट एक्सेप्ट विद्या किसी ने नहीं देखा था फिल्म हम बनाने से पहले। उनको देखना इसलिए था कि उनको करना था कि नहीं, बट वी डोंट वॉन्टेड टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दोज बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ सक्सेसफुल फिल्म, बट दैट फिल्म स्टार्टेड इन 1947, एंडेड इन 1947, दिस फिल्म स्टार्ट्स इन 2016, गोज बैक टू 47, देन कम्स बैक अगेन टू 2016, सो इट्स नॉट यू नो इट्स नॉट अ रीमेक, इट्स आई मीन लाइक दैट इज द रीजन वाई यू नो आई थिंक इट्स एन अडेप्टेशन ऑफ द ओरिजिनल वन, बिकॉज all the actors also we did almost like 1 month of workshop, everybody make their own backstory and we did the workshop, through that interpersonal character relationship developed and that is what we shot in the film. So there are a lot of scenes which is here in this film, it's not there in the original one. So yeah, I think it's an adaptation and it's a new film. यहाँ कहा जाता है कि कोई एक लड़की के साथ ठीक से रह नहीं पाता, वहाँ आप 11 वुमेन्स के साथ आपको रहना पड़ता था, बस एक्सपीरियंस है कैसा कुछ था वहाँ? मतलब इंटरेस्टिंग था, मतलब जो 11 वुमेन है, आप सोचो कि एक हमारी छोटी सी बच्ची से शुरू करके इलारून जैसे हर रेंज के यू नो हर एज रेंज के एक्ट्रेसेस हमारे साथ थे। इलाजी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उनके साथ थिएटर भी करता हूँ, मेरी पहली फिल्म में उनके साथ शूट किया है, शी इज लाइक अ मदरली फिगर। देन विद्या जी इतने कमाल की एक्ट्रेस है, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड हर। जो वर्कशॉप था वो बहुत हेल्प किया, चाहे वो गौहर हो पल्लवी हो, आप डायरेक्ट सेट पे जाके नहीं मिले, आप 30 दिन सुबह से शाम तक रोज फिल्म के हर सीन पे काम किया, कैरेक्टर्स पे काम किया, तो टिल द टाइम वी रीच ऑन सेट इट वॉज एक्चुअली बेगम जान फैमिली देयर, not like 11 actresses and so it was not there. And even Bhalu Shekhu, हमारे जो दो dog हैं हमारे घर के, हमारे last 5-6 दिन जो workshop हुआ उस पर Bhalu और Shekhu भी हमारे साथ workshop में थे 5-6 दिन. So it's you know when you reach set it's Begum Jan's family. सुजीत की बात कीजिए तो role कितना मुश्किल आपके लिए था perform करना? Frankly, it was when I, you know, got the offer for the film, I was scared. Like, you know, people like Naseer sir, Vidya ji, Illa ji, aise seasoned actors hai aur ye character itna layered hai. Like, I was scared, but that's what the
यू नो रस उसी में आता है बिकॉज एंड दैट इज व्हाट पर्सनली आई बिलीव व्हाटएवर फिल्म्स आई डिड एवरी फिल्म आई ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट विच इज आई फील चैलेंज्ड व्हेन आई डिड शो इन द सिटी in 2009, 2008 and first time ever I came to Bombay after passing out from the institute and it's a hardcore Bombay role. So every time there is an interesting role comes in front of me, that challenge attracts me to do and that's what gives you that rush and that is why I am an actor. So challenging tha, bahut layered tha, but sabke cooperation, workshop aur maine apni hard work, I hope people will enjoy it. Thank you so very much and it was a pleasure talking to you. Thank and you. I hope that your whole year will be busy with lots of fun. Thank you so much. Watch the film, guys. Thank you so much. Cameraman Thapa ke saath, Neha Singh, Channel 1, Mumbai.